और आज ही आप लोगों को मैं नई गाड़ी दिखा दूंगा। देखो घटिया इंस्पेक्शन, सुबह कहता गाड़ी तीन चार जगह से एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल वाली जगह सुने सारे चौधरी छापर उड़ा सिविक उड़ गई उमर, वो सिविक जा रही है घर जाके ना आपने बस सेल्फी मार देनी ठीक है। चलो जुमा मुबारक कह दो सारा, रात हो गई ठीक है। और सारे रोजे रखो यार, ये बहुत प्यारा भाई मुझे मिला था, मैं इसको ब्लॉग में लेना डाल दूंगी ठीक है। चलो चलो बाकी जो घर रोजे रख रहे हो जी सारे रखने हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैंने कर दिया हुआ था। मुर्दे मेरा किया हुआ आपने? एक ही किया था मेरा, मेरा किया होगा। हाँ आपका ही किया। पापा जो रहे हैं सॉरी 12 बजे सैलरी करने, बस इसके बाद घर जाकर दोबारा करके ठीक है ओके पीछे हो जाए तो मैं रहूँ। मैं पिज्जा खा ले उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से गाड़ी के रिलेटेड। और अभी गाड़ी सेल तो नहीं है लेकिन ऑफर्स बहुत ज़्यादा आई नहीं है, लेकिन इस ऑफर में करने नहीं आपको पता, मैं थोड़ी हाई ऑफर मांग रहा हूँ और अभी इतनी हाई लगी नहीं है, मतलब लगी तो ही है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई मांग रहा हूँ। चांद तो गिरा दे मान जाऊंगा। ना ना फिर बाल काट दिए इसके। नहीं भाई अब दोबारा बड़े बड़े हो गया देख ना, तो जैसे बाल ये दिल की है हमदा कल यार काटने। चलो मैं का मना किया दादा ला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। चीज कुछ ऐसे है कि कल रात को हमने खाली नहीं आ रही, और नहीं आ रही से मतलब के ये अगले दिन का व्लॉग है ठीक है। नहीं आ रही मतलब खाई है और हमारा गला सूख गया रात को ही, मुझे रात को थी सच प्यास लग गई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन अल्लाह करके सो गया। सुबह फिर उठा इन्होंने उठा दिया, अरे चलो गाड़ी बेचने जाना था हमने शोरूम, तो हम उधर जा रहे हैं और ऑफर तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वो ही ऑफर नहीं है जो ऑफर हम चाह रहे थे। एकदम शोरूम ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगी तो फिर हम देख लेंगे दे देंगे। मुँह तो खाप रहा, क्या किया तूने? मास्क पहना हुआ है, मुँह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। बहुत सख्त मजा लग रहा है आज। दो दिन सक्सेसफुली वेस्ट करने के बाद तीसरे दिन हम जाके हमें होश है और हम इधर जोगर मोटर्स आए, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिंदगी में हम नीलामी करवाने आए थे और इससे पहले आज तक हमने करवाई भी नहीं थी। ये चेक करें, पहले गुड्डे उड़ते सुनाई दिया था और अब माशाल्लाह चौधरी भी उड़ते हैं सारे चौधरी छापर उड़ा सिविक उड़ गई उमर, वो सिविक जा रही है हमारे पास, रेड वाइन कलर है सिविक का, दो शापर थे हमारे पास दोनों हमने उड़ाए हैं। इसके मुताबिक ना सिविक एक्स जो है ना उसका सेंसर इतना तेज होता है कि यहाँ से अनलोड करूँ यहाँ इधर एक किलोमीटर, वेट वो जो बिल्डिंग है सामने मतलब सिविक अनलॉक होगी थी। मैं कहा वो कैसे बता कैसे कैसे? और ना एक दिन ना मैं घर था तो ना मेरा दोस्त ना दुबा एक किलोमीटर दूर था, कहता यार इसका सेंसर नहीं खुल रहा, वो चाबी मेरे पास थी तो मैंने एक किलोमीटर दूर से चाबी BMW दी स्टार्ट, वो क्या नाम है गाड़ी तो अनलॉक नहीं हुई, वो गाड़ी तो अनलॉक नहीं हुई, मेरा दोस्त अनलॉक हो गया, वो जेल में बैठा हुआ। 47 लाख रुपए दोपे कोई गाड़ी नहीं, 47 लाख रुपए तो है कोई तो बोलो दसो नहीं है45 लाख जो गाड़ियाँ शोरूम पर होती है ना जो लाख दो लाख मतलब 2-3 लाख रुपए नीचे रख के देते हैं गाड़ी ताकि वो आगे बेच सके और अपना प्रॉफिट निकाल सके, इसको इन्वेस्टर रेट कहते हैं ठीक है। तो ये 36-75 मारा लगा हुआ था ठीक है, पहले तो मैं तैश में आ गया था, मतलब गाड़ी मतलब मैंने दे दी थी, मना भी किया था बकर उमर दोनों ने रहने दे रहने दे क्या कह रहा है, फिर लड़के मना कर रहे हैं ठीक है, मतलब कि टोटल 37 लगा हुआ था गाड़ी को, यहाँ पे मैं दे चुका था टोकन मैंने पकड़ लिया था, फिर थोड़ा सा मारा दिमाग काम किया इन्होंने टोकन ही वापस किया, मैंने कहा टोकन दो हमने गाड़ी नहीं देखा, मैंने कहा नहीं मतलब इन्वेस्टर रेट पर गाड़ी देनी नहीं है, शोरूम में गाड़ी देनी नहीं है, खुद ही गाड़ी दे देंगे। तो हमने ये था उन्होंने एक सिविक भी खड़ी थी बहुत अच्छी, हमने कहा मौके पे इसको देखे ना मौके पे इसका सौदा मार ले, सिविक आर एस खड़ी थी रेड कलर की, हाँ तो फिर लेकिन सिविक का भी अभी सौदा नहीं पड़ा, सिविक वाला थोड़ा ज्यादा मांग रहा था, बड़े हमने उसको बोली लगाई तो 45 लेकिन नहीं माना, 46 लगा दिया 45 लगाई थी, वीडियो में 45 है तो लेकिन नहीं माना, कोई बात नहीं
एक दो दिन तीन दिन और वेट करते हैं और गाड़ी इसको निकालते हैं और ढूंढते हैं साथ साथ। इधर ही एमओबी से हमारी बात हो गई, एमओबी कह रहे हैं इंशाल्लाह अच्छी गाड़ी ढूंढ दूंगा तो आप बेफिक्र हो। तब यार आज पूरा दिन हम जयपुर सुबह निकले थे और रात हो गई, हमने सारी से सारी अफतारी भी बाहर की सारी, तो रात को हमने बाहर ही की थी हमारी, तब से बुरा हाल है। अभी गाड़ी लेके आ रहा था मैं और गाड़ी ना साइड देखी उसका नलका बाहर था तो वो मैं सर लेके उसका थक करके वजह नलका आगे गया और ये पानी सारा इधर आ रहा है। क्या हालत था सीन कुछ ऐसे वासा के दफ्तर आए हैं कि यहाँ से हमें कुछ मिल जाए, लेकिन ये देखो सामने लिखा भी है ऑपरेटर की आवाज़, लेकिन यहाँ से भी हमें नहीं मिला, कोई भी नारा मार रही है और सही रात पानी निकलता रहेगा, बोर हुआ आपको पता बोर का पानी रुकता नहीं, प्रेशर बनाई जाता है तो उसके जितनी तेज मतलब जितने प्रेशर से पानी निकल उतने ही प्रेशर से उसके पापा की गालियाँ निकल रही है और निकलती रहेंगी सही रात में निकलती रहेंगी अगर हमने ना रोका तो। ये बंदा हमें मिल गया मुबशिर, उसके पास हम जा रहे हैं, दो मिनट में उसके पास जाएंगे इंशाल्लाह वो हमारा काम कर देगा। दिन गुजरी जा रहे हैं और गाड़ी अभी तक सेल नहीं हुई, अभी आपके सामने ही है कि मतलब कि कल परसों तरसों हम कल उधर गए थे 36, 77, 37 लगा हुआ है लेकिन नहीं, अब जिद अड़ गया 38, 39 की ही निकालने हैं जो मर्जी कर लो। अच्छा थोड़ा वेट कर रहे हैं और बाकी अगली गाड़ी तो हमारे हाथ में है, अगली गाड़ी का इशू नहीं है, ये गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल निकल जाए तो हम अगली गाड़ी भी कर लेंगे। आज फिर एक इसी उम्मीद के साथ उठेंगे गाड़ी सेल करेंगे, लेकिन आज कुछ भी नहीं करेंगे हम, आज कल भी नहीं करेंगे, परसों फिर नीलामी पर जाएंगे एक और उस जगह पे चेक करेंगे, आज से बाल कटवाते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गए शायद, रोजा रख के तो सोया हुआ है यार, इससे आगे थोड़ी नहीं जाना, मार के कार मैंने बाल कटा लेने हैं। दुआ करो यार गाड़ी अच्छे दामों में सेल हो जाए, ठीक है अच्छे दामों में आपकी गाड़ी सेल हो जाए। 3 साल पहले भाई मुझे मिला था और 3 साल बाद अब मुझे दोबारा मिला यार, कोई फर्क नजर आया यार? फर्क कमजोर हो गए पहले से। ओह तो सर्दियों में मिले हो गए ना, जैकेट पहनी होगी, अब जैकेट पहन ही पड़ गया, अब थोड़े हेल्दी हो गए, ठीक है नॉर्मली यार। वैसे जिम शुरू की हुई थी यार, जिम दोबारा शुरू करो यार। नहीं यार जाते हैं, इस बात पर ना मेरा आपसे गिला है और जो है इस बात पर मेरा मैं नाराज हूँ कि आप जिम नहीं शुरू कर रहे। अगले भाइयों के दिल में उल्फत मोहब्बत पैदा कर दे अल्लाह, वो तू बेहतर जानते है अल्लाह, उनके दिल में हमारा जो रेट है अल्लाह उनके दिल में पैदा कर दे या अल्लाह, सबसे अच्छे रेट में हमें या अल्लाह सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे अल्लाह, खास तौर जो भाई गाड़ी लेने आ रहे हैं उनके। आमीन। ये एक सेकंड कहाँ से कह रहे हैं? अभी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें गाड़ी के आगे से मैं चीजें खा रहा हूँ कि मतलब जो उसका हिस्सा वगैरह होता है, ठीक है, पार्क बेस के इंस्पेक्शन के, मैं पार्क बेस का आपको पीछे दिखाया भी है, ठीक है, इतनी को घटिया इंस्पेक्शन, ठीक है, गाड़ी हमसे हमारी सेल हो गई थी गाड़ी, ठीक है, सब कुछ हो गया, टोकन हो गया, वो थोड़े वहमी लोग थे, उन्होंने कहा जी पार्क बेस की इंस्पेक्शन करवाने, ठीक है, इंस्पेक्शन हुई है, उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो आगे से पुटीन ही लगी हुई शावर लगा हुआ, मैंने वो गाड़ी की वीडियो बना के दिखाई, मैं कहा यहाँ शावर किसी अनाड़ी बंदे को भी चेक करा लूँगा, अगर शावर लगा हुआ मैं गाड़ी फ्री दे दूंगा। गाड़ी के इंजन के अंदर की बात करें यार, कभी मैं वहाँ पर गया ही नहीं अपनी गाड़ी के, पहली बात तो ये इंजन कहते हैं जी इसका 93% इंजन मेरा 100% में 3000 इंजन चेंज करा था, वो भी उधर से मियोल सेंटर, सारे मेरे पास व्लॉग्स पड़े प्रूफ पड़े। सुबह कहता गाड़ी 3-4 जगह से एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल वाली जगह सुने आगे वाला हिस्सा फेंडर वगैरह, ठीक है, जो कि मैंने अभी लगाए हैं इसके जनमन, पीछे जो इसके बम्पर के नीचे मैंने वो ट्रे नहीं लगाई हुई थी वोल्टेक्स की, वो आपको होता है वेल्ड होके लगती हैं, ठीक है, वो वेल्डिंग का मतलब आग का थोड़ा सा निशान था, कहते पीछे से भी एक्सीडेंटल है, मतलब 2-4 जगहों से ना उससे गाड़ी को एक्सीडेंटल बता दिया मेरी। और जी अगले लोगों के दिल में ब्रांड लग गया था, आपने तो बोला सर गाड़ी जेन्युइन है तो ऐसे वैसे एक्सीडेंट, मतलब मैंने को बताया दो पीस ओवर हैं वो भी थोड़े थोड़े, मैं कहा भाई मैंने उसे बहस ही नहीं की, मैं कहा पापा किसी ने कह दिया आप जाओ, मेरे तो पहले गाड़ी उनको थोड़ी सस्ती दी थी, मैं देनी नहीं थी इतनी सस्ती, मैं कहा आप जाओ यार मैंने गाड़ी देनी नहीं है, तो मैंने उनको मौके वापस किया, कहते हैं इंस्पेक्शन के पैसे, मैं कहा मैंने कहा था कराओ, मैं कहा आप किसी अच्छे बंदे को ले गया था जिसको गाड़ी का पता होता, और वो भी देखते था कहता यार गाड़ी तो बहुत साफ है, आप लोगों ने गाड़ी हमारी देखी होगी अभी गाड़ी आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी फुल 100% साफ है, हमने तो अभी तो लगाए हैं इसके पैनल्स वगैरह सब कुछ। खैर मैंने गाड़ी वहाँ से उनको फायर करा दी, मैं कहा यार आप लोग जो गाड़ी इतने वैसे वह बंदे को दे भी नहीं सकते गाड़ी, और अब एक जगह से और हमारी बात हुई है उसको गाड़ी देने चलते हैं, देखते हैं उधर क्या बनता है, और लेकिन बहुत डिसअपॉइंट हुए पार्किस का, बस नाम है शोशा है लगे हुए पिक्चर ले रहे हैं, सब कोई कलम लगी है ये लगी वो लगे शावर लोग, सो आप लोगों ने मेरे देख ली होंगी यार पिछली सिचुएशन से, आप लोगों को पता लग गई होंगी कि क्या चल रही है और क्या हो रहा है हमारे साथ, तो आज तो इंशाल्लाह गाड़ी निकल जाएगी और आज ही आप लोगों को मैं नई गाड़ी दिखा दूंगा, रिवील कर दूंगा, ठीक है,
ताकि आप लोगों के जो वो क्या कहते हैं उसको रिएक्शन नहीं 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 एक चीज तंग करती है सस्पिशियस या जो भी, खैर मुझे जहन में नहीं, लफ्ज़ नहीं जहन में आ रहा, मैं जो आ रहा वो आ रहा है उंगल जो हो रही है, लेकिन खैर छोड़े आज इंशाल्लाह आपको ना गाड़ी भी दिखाते हैं। और आप लोग कह रहे हो कि इतनी देर से मैं गायब था, वो सारा कुछ पता लग गया होगा, ख्वारी इतनी किया धूप गर्मी में कि मैं काला हो गया फुल, ठीक है मैं भी काला हो गया, चांद भी काला हो गया, हमने कोई ध्यान नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से हमने कल बस एक सूट दिया था सिलने के लिए, उसके अलावा चलते हैं गाड़ी की बात होगी ये बस गाड़ी देते हैं, क्योंकि मेरा NOC भी कल आना था मंडे को, चलो एक दिन का टाइम ले लेंगे हम, फिर पेमेंट रखवा के कल पेमेंट पकड़ लेंगे, उधर से बैंक से कागजात भी ले लेंगे, सब कुछ करके चलो वैसे डील हो जाएगी। और नई गाड़ी आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग बहुत परेशान हो गए, आप लोग जो सोचा भी रहना था आपके महीने वो ले लिया, ठीक है 60 दिन 60 व्लॉग मतलब 30 दिन एक महीने का, 30 दिन एक महीने का, मैं एक दिन में छुट्टी करके ना तो मैं नाम ले लेना, बहुत मुश्किल है कि चांद रहो शायद चांद रात को शायद छुट्टी करना, वो भी नामुमकिन सी बात है कि करूँ। आ रही है चमकती हुई नज़र आप लोगों को, फुल चमक रही है डेट, मतलब कि इतनी को स्ट्रोक है ना गाड़ी, इतनी को स्ट्रोक है कि आप लोग पहचान ही नहीं सकते कि मेरी गाड़ी है। और फ्रेंड जी हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह उठ गए हो, लाइट नहीं आ रही, कौन सी लाइट नहीं आ रही, वो सही लग रहा है, बनवा के हल्का हल्का कहाँ बनवा के, मैं रमजान है गाने लगा दिए हैं, अच्छा ना था अच्छा उधर जो है ना जो अपने लाहौर में ठोकर वाली साइड पे है वहाँ पे 36-37 ही खैर 37 मुश्किल ही है, ऊपर नहीं जा रहे इन्वेस्टर डेटा को पता यही है गाड़ी का, तो मतलब मौके पे कैश मिलेगा मुझे अगर मैं 36-37 या 37 में डन कर लेता हूँ गाड़ी का, तो थोड़ी सी बोली लगवा के, लेकिन अभी वहाँ पे मैं कर देने से अच्छा एक दफ़ा यहाँ पे आते हैं अल जलील में, अल जलील गार्डन है वो, यहाँ पे एक दफ़ा बोली चेक करें, वो देखे इतनी बड़ी लगी हुई है और मुझे इतना सच रोजा लग रहा है, मैं उनको भेजा हूँ मैं आपको ये छाँव में आया मैं यहाँ पे लेटने लगूँ, अगर यहाँ पे हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा एक दोस्त है वो मांग रहा है गाड़ी, ठीक है वली उसको जाके दे देंगे गाड़ी, फिर सिंपल वो पैसे बस ब्रोला से भी ये पैसे मुझे मौके पे चाहिए, मौके पे कोई दे नहीं ना वो यही 1-2-5-10 दिन नहीं मुझे आज ही चाहिए, मैंने कल गाड़ी लेनी या रात की गाड़ी लेनी है, तो वो कह रहा है कि मैं थोड़े बहुत दे देता हूँ मतलब कि 4-5 लाख का थोड़ा बहुत वसा खा ली, मैं चल इतना तो कर लूँगा, अगले बंदे से टाइम ले लूँगा जैसे तू देगा मैं क्लियर कर दूँगा, फिलहाल यहाँ चेक करते अगर यहाँ पे ज़्यादा निकल गई कोई 37.5-38 की चलेगी इन्वेस्टर, वैसे मुश्किल ही है इन्वेस्टर कभी इतना खर्च करेगा उसे 2 लाख अपना रखना होता है ताकि वो गाड़ी बाद में बेच सके, तो फिर हम सोच सकते हैं कुछ यहीं में बेच के निकल जाए, नहीं तो फिर उसको जाके दे देंगे और थोड़ा टाइम ले लेंगे यार, गाड़ी में आपको इंशाल्लाह आज नहीं तो कल नज़र आ जाएगी, ठीक है क्योंकि फिर आना नहीं है, हालत मेरी थोड़ी ख़राब है क्योंकि हम अखबारी कर रहे हैं शेखोपुर इस टाइम आए हुए हैं, जो पता नहीं किस साइड पे हम जो ये भी नहीं बताऊँ सोया, इधर जो एक और बोली लगी थी वो अफ्तारी के बाहर लगनी थी तो उसमें बहुत टाइम लग गया था, मैं आ चुका था जाके दोस्त को देते हैं पैसे भी मिल जाएंगे मौके पे सब कुछ हो जाएगा अगली गाड़ी भी आ जाएगी, है ही नहीं है यार काशिर भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो सारे, पक्की बात है कर देंगे आपके कहने पे, रिश्तेदार कितने हैं आपके, मेरे बड़े हैं, बड़े हैं उन सबको कह देना यार जाके करो, ठीक है ओके, बड़ी खुशी हुई है मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़, मैं गाड़ी थोड़ी देर में रिवील करूंगा लेकिन फिलहाल गाड़ी का सौदा चल रहा है, जैसे सौदा कंप्लीट होता है तो मैं गाड़ी रिवील कर देता हूं, अच्छा कंग्रेचुलेशन गाड़ी सेल हो गई है और अब अगली गाड़ी में आप लोगों को चेक करता हूं, गाड़ी सेल हो गई इसका टोकन वगैरह पकड़ ले कल से, कल मतलब कि पेमेंट हमें कल हो जाएगी क्लियर, टोकन है वो बकर है बगल है वो बकर से मैं ले लेता हूँ, अभी टोकन दिखा यार, ये रहा इसका टोकन, मच्छर किधर आ गया, कहा था ना अभी अर्जेंट गाड़ी भेज दूंगा मैं, ये क्या 3 पीएसी लगाया हुआ था, तो अब आपको कल तो गाड़ी मार चलेगी, सुबह 9 बजे उठ जाना बैंक भी जाना, मेरे साथ बैंक भी जाना बड़े काम है, किसी एक को ले जी बस मैं खुद चलूंगा साथ तेरा, बैंक बाइक पे चलेंगे बस, ओके बाइक भी क्या गाड़ी भी चलेगी और इनको वापस कर देंगे, गाड़ी खड़ी कर घर फिर दूसरी नई गाड़ी दिखाते हैं जो इसका हमने टोकन दिया, जैसे कि गाड़ी को हमने पार कर दिया है और अब आ रही है कि आपको नई गाड़ी दिखाई जाए, लेकिन थोड़ा सा वेट करें आपको गाड़ी दिखाते हैं, अभी गाड़ी हमारी आई नहीं है, इस बंदे से हमें लेनी है उसका वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट और बस, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया था और बताना भी भूल गया था कि गाड़ी मैंने कौन सी लिया है, अभी मैं कहते 70 लिया था, आप लोग ये केयर नहीं करूँगा ऐसी नहीं कहलाएगी आप लोगों की, तो गाड़ी जो है मैंने कोई भी नहीं ली, मैंने आप लोगों को अप्रैल फुल बनाना था, लेकिन मैंने कहा यार रोज़ा बुरा लग रहा है क्या आप लोग मुझे रोज़े में गाली भी नहीं निकाल सके, अफ्तारी के बाद स्पेशल निकालोगे तो फ़ायदा नहीं है, मैं बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और गाड़ी की पेमेंट लेके आ रहे हैं 3 बजे तक, मैं घर जाके बस शावर लेना है कपड़े पहनने हैं और पेमेंट पकड़नी है और हमने अगली गाड़ी की तरफ निकल जाना, तो ये व्लॉग मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ, जब वो आएंगे तो मैं उनकी पेमेंट वगैरह भी दिखा दूंगा और वो जब घर आएंगे लेके जा रहे हैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है,
तो ब्लॉग का एंड करूँ, बस समझ आना अगला ब्लॉग जो अगली गाड़ी का होगा आप लोग देख लेना, ठीक है। इस वक्त मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है, बेसिकली मैं ना मंडी गया था फ्रूट्स लेने, वो फ्रूट्स लेके मैं भी पहुँचाऊँ, ठीक है। और गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के वो लोग आए थे लेकिन उनका 14 लाख कैश निकला था और चेक पे बाकी चेक दे रहे थे। मैं कहा 14 लाख देने से अच्छा यही है कि आप लोग कल कैश ही खुद करा लो चेक और कल ले पेमेंट, इतना इशू नहीं है। तो आज डिले हो गया एक दिन, तो नहीं जब आप लोग ब्लॉग देख रहे होगे उसके अगले दिन मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, कल वो पेमेंट लेके आएंगे 12-1 बजे वेरिफिकेशन वगैरह करके कि हमने गाड़ी क्लियर कर दी है। और जैसे ही मतलब कि पेमेंट पूरी हो जाएगी उसके 1-2 घंटे बाद हम निकल जाएंगे। और गाड़ी कहाँ से लेनी है वो इतना बता दूँ, आउट ऑफ सिटी से लेनी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज़।